नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महावीर कुमार। दोस्तों ये सीढ़ी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैंने आपको नहीं दिखाया कि ये समोसा काटने का जो सरल तरीका, मेरा हर वीडियो में दोस्तों एक से एक नए नए तरीके से मैं इसी काट के दिखाता हूँ, मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। और उससे भी धासु दोस्तों, और वीडियो जो बनाया हूँ उससे भी धासु और एकदम सटीक सरल तरीका मैं बताऊंगा। समोसा का काटने का जो तरीका होता है वो मैं सरल तरीके से बताऊंगा, ताकि 2024 आते आते आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम तुरंत समोसा काट सकते हैं विदाउट फार्मा का। फार्मा भी नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत कोई फार्मा बना के दिखाता है, मैं फार्मा से नहीं काटता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट काटता हूँ। इसका मेजरमेंट क्या होता है, खाली थोड़ा सा ध्यान दें, शुरू से लेके अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, लेकिन अच्छा बनेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद मिलेगा तो कुछ नहीं तो कम से कम लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ना करे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको समोसा को मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा सीढ़ी का धापी है, टप्पे का धापी, हम लोग धापी बोलते हैं इसको, और इसको हम राइजर बोलते हैं, ये इसको राइजर बोलते हैं, इसको धापी बोलते हैं। तो यहीं पर मेरा कैसे मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं ये पर्सन से ये पर्सन हम नापूंगा, राइजर टू राइजर, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो लॉजिंग निकला है, तो इसको यदि हम यहाँ से माप करेंगे और ये लॉजिंग में ये वाला हम माइनस कर देंगे तो राइजर टू राइजर निकल जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये फेस में है कितना आएगा, तो इसको हम माइनस करेंगे लॉजिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दोस्तों 280 mm आ रहा है, 280 mm, परफेक्ट मेरा 280 mm का है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो mm, इसको मैं खांचा काटूंगा, आपको दिखाते हैं किस टाइप का। तो हम अभी खांचा नहीं काट रहे हैं, तो 280 mm का मेरा यहाँ से यहाँ तक टप्पे का साइज है। तो दोस्तों ये मैं जब भी मैं टाइल्स जो ग्रेनाइट इंस्टॉल किया हूँ, तो यही हम लॉजिंग, यही नाप से हम इसको लॉजिंग निकाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले समोसा का साइज बना लेता हूँ। तो ये मेरा आप देख रहे हो ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो दोस्तों ये मेरा समोसा का साइज है, इसको हम कैसे, ये इसको हम कैसे निकालेंगे और इसको कैसे निकालेंगे, ये तो मेरा मालूम हो गया 280 mm। तो दोस्तों 280 mm मेरा टप्पे का साइज है, लेकिन इसको हम माइनस करेंगे, ये लॉजिंग निकला है, ये लॉजिंग हम माइनस करेंगे। तो दोस्तों 10 mm मेरा माइनस हो गया, 10 mm मेरा माइनस हो गया, तो 270 mm, 270 mm का मेरा ये टप्पा निकला, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे इसका हाइट। तो दोस्तों मैं 6 इंची लेता हूं, ये 300 mm मैं यहां से हाइट ले रहा हूं, और ये हाइट मेरा, तो दोस्तों मैं दो पार्ट में करूंगा, यहां से लेके यहां तक मेरा और यहां से यहां तक। तो ये मेरा यहां मेरा कितना आना चाहिए, आपको दिखा रहे हैं, यहां से मेरा 150 mm में मैं ले रहा हूं दोस्तों, ये 150 mm और यहां से मैं 290 mm। तो ये मेरा यहां से 290 mm आ गया, और ये मेरा 150 mm, 150 mm, ये 150, ये वाला 290, ये 270, समझ गया दोस्तों। ये मेरा जो यहां से हाइट हम आएगा यहां तक, ये मेरा यहां से यहां 150, हम 6 इंची का लिए हैं दोस्तों,
छः इंची मेरा प्रॉपर स्कटिंग जा रहा है, तो यहाँ से मैं 150, और यहाँ से यदि हम यहाँ तक नापी कर लेते हैं तो 290 mm आ रहा है मेरा, 290 mm, ये 280 में काटना पड़ेगा हमको, और ये 150 लगभग, यहाँ से हम यहाँ नापे तो यहाँ भी हमको 150 होगा, और इसको क्रॉस हम ऐसे मिला देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तो सबसे पहले 270 में हम काटेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैंने 270 mm का पट्टा काट लिया हूँ, और 270 mm का पट्टा काटने के बाद नीचे मैं ऐसे उल्टेगा मेरा, तो उधर मेरा ग्राउट लगेगा आप देख रहे हो। तो सबसे पहले नीचे की ओर से मैं 150 mm काटूँगा, वही 150 mm, और इधर मेरा आपका 290, तो आप देख रहे हो 150 और इधर 290, इसको आप क्रॉस नुमा हम काटेंगे। आपको दिखाते हैं कि क्रॉस कैसे काटा जाता है, पहले नापी कर ले। क्रॉस काटने के लिए सिंपल तरीका है, आप दोस्तों निशान आपको नज़र आ रहा है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन ये देख रहे हो मैंने प्रॉपर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से 150, यहाँ से 290 और इधर 270। तो ये समोसा का बेस हो गया, आप दिखाते हैं आपको वो, अब देख 150 290, और इधर अब इधर देख रहे हो 290, इधर 270 और इधर हो गया 150। फिर इधर से दोस्तों मैं 290 mm ले रहा हूँ, 150 उसके बाद 290, तो इसमें क्या होगा दोनों दो ठो एक बार में आपका कटेगा। तो आप देख रहे हो 150 उधर 290, यहाँ पर मैं 290 लगा लिया, इधर हम फिर 150 लगाएंगे जहाँ से लास्ट आया, और उसको सीधा करके निशान मार देंगे। अब देख रहे हो मैं इसमें 150 मारा, अब इसको हम मिला देंगे सीधा ये आप टाइल्स के मदद से। तो दोस्तों हम अभी तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि नज़र थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है, अब गौर से देखिएगा तो नज़र आ रहा है। इसमें क्या होगा, इसको हम कटिंग करेंगे एकदम, दो पीस निकल जाएगा, क्रॉस काट देंगे दो पीस निकल जाएगा। फिर इधर से मैं 290 किया, तो इधर इधर फिर मैं इधर छोटा सा फिर करूँगा 150, इसको क्रॉस मैं मार दे रहा हूँ देख रहे हो, और इधर फिर उतना ही हमको करना है 290, और इधर हमको मिला देना है इधर 150, इधर 150, इसको फिर सीधा मिला देना है। तो मेरा चार पीस लगभग एक पट्टा में चार पीस मेरा निकल जाएगा। तो इसको हम काट के दिखाएंगे दोस्तों इस सीधा करके, और बने रहें वीडियो में, बहुत ही बारीकी से आपको बताया हूँ कि किस टाइप का समोसा काटना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीढ़ी में भी दागी मार के, इस सीढ़ी आप देख रहे हो यहाँ सीढ़ी में मैं एक इंची में ग्राउट जो 25 mm हमको लेना है, 20 mm का मेरा पत्थर है, और दीवार के फेस से मैं बाहर लूँगा 25 mm, और 5 mm ग्राउट लगेगा। तो ये देख रहे हो दोस्तों, तो मैं पक्का पक्की 25 mm जो एक इंची में दागी लूँगा। तो अब दिखाते हैं किस टाइप का हो रहा है, यहाँ हम अपना हेल्पर को पकड़ने बोल रहे हैं, यहाँ देख रहे हो यहाँ से मैं 25 mm प्रॉपर दागी ले रहा हूँ, मेरा धापी का साइड कटिंग होगा, और उसके बाद मैं ऊपर में भी उसी टाइप का ले रहा हूँ, इससे दोनों तरफ हम नापी करके अच्छा से और दागी दे के फिर लाइन डोरी से मैं इसको सीधा करूँगा। यहाँ भी 25 mm में एकदम फट्टी के सहायता से लेंगे दोस्तों, स्केल के सहायता से अब देख रहे हो, अब इसमें हम लाइन डोरी से धागा से हम सीधा कर लेंगे अब देख रहे हो, और सब में जितना धागा जहाँ टच हो रहा है वहाँ मैं दागी मार दे रहा हूँ, और इसको हम कट करके सब दिखाते हैं कि किस टाइप का हो रहा है। टोटल हम इसी टाइप का दागी मार दे रहे हैं दोस्तों, इतना बारीकी से आपको कहीं नहीं मिलता होगा वीडियो, जो मैं अपना वीडियो में बताता हूँ आपको आई होप समझ में आ जाता होगा, एकदम बारीकी से, थोड़ा लंबा जाता है वीडियो लेकिन एक एक सूत हम आपको बताता हूँ ठीक है। तो आप देख रहे हो लगभग लगभग मेरा अब सब में दागी आ गया, अब इससे क्या होगा जहाँ जहाँ मेरा टच हो रहा था लाइन डोरी जो सूत टच हो रहा था उसमें दागी मार लिया, अब इसको हम धारी कटिंग कर लेंगे जिसमें मेरा समोसा होल्ड होगा, समोसा
हमको एक तरफ साहुल करेंगे और उसी बेस में हम सीधा करके इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख रहे हो सब इसी तरह हम ठोक दे रहे हैं। साइड का जो कट वाला मटेरियल है उसको हम अच्छा से छाइनी हथौड़ी से काट हटा देंगे छांट के, और इसमें मेरा समोसा जो सिंघाड़ा काटे हैं उसको होल्ड होगा। तो मैं दागी मारा था दोस्तों, एक बार क्रॉस एक बार सीधा, तो आप देख रहे हो मैं दागी मारने के बाद आपको उधर चल गए हैं सीढ़ी काटने के लिए। तो इस टाइप का आपको काटना है, देख रहे हो कहीं कहीं निशान नज़र आता होगा, इस टाइप का आपका समोसा कैसे कट रहा है प्रॉपर तरीके से। दोस्तों ये बहुत अच्छा मैं वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों समोसा मेरा कट चुका है, अब इसको हम एक एक पीस सजा के दिखाते हैं परफेक्ट तरीके से मेरा बैठ रहा है। समोसा जो हम काटते हैं बहुत ही आसानी तरीका से मैं बताता हूँ, जो मैं काटता हूँ दोस्तों वही मैं बताता हूँ। मैं ना फर्मा बनाता हूँ ना विदाउट फर्मा। में क्या होता है कि आपका अलग से पत्थर काट के उसको चिपकाना पड़ता है, वो भी वेस्टेज चल जाता है आपका। एक गिनती हिसाब से यदि पत्थर हो, पत्थर ज़्यादा नहीं हो, इसमें आप समोसा काट सकते हो। तो ये देख रहे हो मेरा प्रॉपर बन चुका है। तो दोस्तों अब हम ग्राउट लगा के इसको साहुल में खड़ा करेंगे, एक तरफ साहुल करेंगे और एक तरफ मैं लाइन डोरी से कट मारे हैं वहाँ आपको मिला देना है। तो अब सीधा मेरा चल जाएगा, ये साहुल कर दिए और जहाँ जहाँ अगला स्टेप जो नीचे का स्टेप है वहाँ कट मारे हैं वहाँ तक आपको मिला देना, आपका सीधा जाएगा 90 डिग्री में जाएगा, स्ट्रेट भी जाएगा। तो इसी टाइप का हम ग्राउट से लगाते हैं, और मैं केमिकल से हमेशा लगाता हूँ दोस्तों। ये समोसा वगैरह जितना है आप टाइल भी केमिकल से लगाएँ, बहुत कोई सीमेंट से लगाता, हम भी पहले लगाते थे लेकिन अब ग्राउट का जो मैंने देखा है तो दोस्तों इसी टाइप का लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।